हाँ चलिए दे, मतलब ये जो मतलब स्कूल भी था ना यहाँ पे, स्कूल है तो ये स्कूल में जो रहते थे। वेलकम गाइस, आज फिर से लौटे हैं आपका न्यू ब्लॉग के साथ में, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जागृति बिहार का दृश्य। और ये रहा जागृति बिहार का गेट है, मेन गेट के पास अभी खड़ा है हम लोग, और अभी हम लोग इस तरफ से आए हुए हैं। ये मकलूसीगंज के अंदर में ही पड़ता है जागृति बिहार। तो गाइस आइए गेट के अंदर आपको ले चलते हैं। ये रहा बोर्ड जागृति बिहार का, और ये गेट तो बंद है। खैर यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ आती होंगी तो जाएंगी, पर अभी गेट बंद है। और इस तरफ से भी हम लोग जाएंगे राइट साइड से। गाइस आप देख सकते हो जैसा कि गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये थोड़ी छोटी बड़ी यहाँ बनी हुई है गार्ड के लिए, जो यहाँ पे गेट का कीपर करते होंगे, गार्ड लोग रहते होंगे। ब्रिटिश लोग के समय का ये बना हुआ है, और जो है कि गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे ये भी एक बंगला है जागृति बिहार के अंदर में। ये ब्रिटिश लोग जो रहते होंगे उनके फैमिली यहाँ सभी कोई रहते थे, जो भी यहाँ रहते होंगे फैमिली, तो उनके घर हैं इस कंपाउंड के अंदर में। यहाँ छोटे बड़े बंगले भी हैं जो इसके अंदर में हैं। और गाइस आइए दिखाते हैं आपको आगे चल करके। गाइस यहाँ देख सकते हैं वाहन रखने के लिए, यहाँ पे व्हीकल रखने के लिए ब्रिटिश लोग के यहाँ पे बनाए हुए थे, आपका जो कार रखने के लिए पार्किंग वाला जगह है। ब्रिटिश लोग जब गेट के अंदर आते थे तो यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी करते थे, उसके बाद गेट के अंदर जाते थे। तो दरवाजे हैं यहाँ पे, गाड़ी पार्किंग करते थे, गाड़ी का गैरेज। अभी जागृति बिहार के अंदर में एक आंटी हम लोग को मिले हुए हैं, तो अभी वो बताएंगे यहाँ पे किस तरह का लोग यहाँ पे रहते थे। तो आंटी से चलिए मुलाकात करते हैं। ये हैं आंटी। आंटी आपका नाम क्या हुआ? लूसी बाड़ा। तो इनका नाम लूसी बाड़ा है, ये बताएंगे आंटी ये किस चीज़ का था ये बिल्डिंग, ये वाला? ये बिल्डिंग सब रहने को है, क्वार्टर है। अच्छा लेडी, मतलब ये जो मतलब स्कूल भी था ना यहाँ पे, स्कूल है यार। तो ये स्कूल में जो रहते थे ब्रिटिश रेगुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे जो टीचर लोग होंगे वहाँ का जो रेसिडेंशियल था वो ये वाला था, और उसके आगे वाला जो एक आपको दिख रहा था जो मैंने दिखाया था पहले, वो आपको ये हॉस्पिटल था, और ये भी रेसिडेंस है। तो आंटी वो स्कूल आगे की तरफ है ना? कब से रहते हैं आंटी यहाँ पे आप? अच्छा 25 साल से आंटी यहाँ आकर देखभाल कर रहे हैं और यहाँ पे रहते हैं। आंटी से मुलाकात हुई हम लोग को, ठीक है। चलिए गाइस अभी और भी आपको ले चलते हैं अंदर स्कूल के तरफ। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, स्कूल भी उस तरफ होगी, आपको स्कूल के तरफ मैं भी चलूँगा। गाइस जैसा कि आंटी अभी हम लोग को बता रहे थे कि इस तरफ एक हॉस्पिटल भी था ब्रिटिश समय के, तो मैं अब आपको ले चलता हूँ ब्रिटिश जमाने के हॉस्पिटल। इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ हॉस्पिटल भी थी बच्चे लोगों के लिए, कुछ भी दिक्कतें होती होंगी तो छोटे बड़े समस्याओं के लिए हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। और ये है अभी, और इसके कंपाउंड में मैं दिखाना चाहता हूँ। गाइस ये अभी ताला लगा हुआ है, तो जैसे आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी दृश्य थी हॉस्पिटल की, और यहाँ लोग कमरे में बैठते होंगे डॉक्टर लोग, तो इस तरह का नज़ारा है। कई कमरे हैं हॉस्पिटल के अंदर में, आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो, दिखा दो। तो गाइस उस अभी आपको ले चलता हूँ उस स्कूल के जो कंपाउंड है उसके तरफ मैं ले चलता हूँ अभी आप। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जागृति बिहार के अंदर में एक और आपका बंगले के जैसा दिख रहा है, पर वो आपका वो लाइब्रेरी है जो ब्रिटिश लोग के समय का, और वहाँ पर ब्रिटिश लोग जब रहते थे तो वहाँ पर लाइब्रेरी के तौर पे वो रूम को इस्तेमाल करते थे। वहाँ कई सारी किताबें हैं अंदर पे, अब ताला लगी हुई है, वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। और एक यहाँ पे उस जमाने के जो भी रिलेशन के होंगे ब्रिटिश के, तो इनका समाधि स्थल भी इसके अंदर में है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वो रहा आपका व्हाइट कलर का वो समाधि स्थल है, और मेरे इस तरफ और आप देख सकते हो एक किचन है, और एक किचन भी है यहाँ पे। तो स्टूडेंट लोग का खाना बनने का जो किचन था वो इस तरफ था, लोग वहाँ पे पढ़ने के बाद में यहाँ पे किचन पे अपने खाना खाने के लिए यहाँ पे आते थे। और इस तरह का उसका कंपाउंड है, और इस तरह का बना हुआ उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो गाइस आइए अभी स्कूल के तरफ तो मैं नहीं लेकर गया हूँ, अभी आपको स्कूल के तरफ भी ले चलने वाला हूँ। गाइस आइए, तो गाइस देखिए आखिरकार हम लोग बच्चे का स्कूल के पास पहुंच गए हैं, और ये है उसका कंपाउंड, और यहाँ पे बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता था। देख सकते हो किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई इमारत है बच्चे लोगों का। तो गाइस यहाँ काफी बच्चे प्ले करते थे खेलने के बाद, और उसके बाद में यहाँ पे पढ़ने के बाद में अपने स्टोर रूम में जाते थे,
वहाँ लाइब्रेरी में अपना स्टडी करते थे, उसके बाद किचन थी वहाँ पे, किचन में आपका खाना खा करके फिर से पढ़ने आते थे। हॉस्टल भी हुआ करती थी, तो हॉस्टल में बच्चे लोग यहाँ पे रहने के लिए रहते थे। और देख सकते हो काफ़ी नज़दीक से आपको स्कूल को मैं दिखाना चाहूँगा एक कमरा को। और आइए गाइस, आपको कमरे के अंदर ले चलता हूँ। कमरे कैसी है, सारी लगे हुए हैं गाइस। और ये बच्चे लोगों का प्ले स्कूल था, ये बड़े क्लास की नहीं थी। और बच्चे यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, ब्रिटिश लोग के। तो आप देख सकते हो किस तरह की इमारत बनी है, काफ़ी सुंदर है दृश्य। और ये वो लिखा हुआ है ये स्कूल का नाम, पर ये आपका हिंदी में लिखा हुआ था। तो ये बंद क्या बोलते हैं, कुछ फटी हुई है तो क्लियर वहाँ पढ़ा नहीं जा रहा, पर देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ। आपको कमरे के लिए चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कमरे नीचे की ओर है। और मैं फर्स्ट कमरा आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हो यहाँ से आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि बंद है, और यहाँ पे क्लास की जो है अंदर से काली नजर आ रही है, तो मैं नहीं दिख रहा होगा आपको, ये काली बंद है। तो गाइस अभी और बिल्डिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ, ऊपर की तरफ। और चलने का जो रास्ता है ये इस तरफ से आइए, ले चलता हूँ आपको ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है आपके जो ऊपर के कंपाउंड जाने के लिए, ये सीढ़ी बनी हुई है, तो हम ऊपर से कंपाउंड की तरफ चल रहे हैं। ये रास्ता है सीढ़ी की तरफ, अभी आपको ऊपर की ओर ले चल रहे हैं। ऊपर भी एक कमरा नजर आ रहे होंगे छत के साथ में, देख रहे होंगे नीचे से आपको दिख रही थी, अभी हम आपको ऊपर की ओर है देखो आप। तो काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ भी एक कमरा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से, आप दिखा दे रहा हूँ आपको खिड़की के तरफ से मैं आपको, ऊपर की ओर एक कमरा भी है। तो गाइस आइए, ये आपका बिल्डिंग का, मैं ऊपर की ओर हूँ अभी। और ऊपर भी एक कमरा था, तो मैं आपको लेकर के आया था ऊपर के दिखाने के लिए कमरे की तरफ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ये रहा हम लोग का आज का वीडियो, और कैमरा मैन अलमोट टोप्पो ये रहा, और मेरा चैनल का नाम है सराउंडर विक्की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में गाइस, थैंक यू।